कई बार हम अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका जीवन बहुत आनंदमय है, बहुत सरल है। उस वक्त हमें लगता है कि हमारा जीवन इतना कठोर क्यों है, सब तो बड़े आनंदित हैं। यहाँ पर हमें इस बात को समझना होगा कि हर आत्मा के कार्मिक अकाउंट तो अलग है ही है, वो तो है ही एक फैक्टर, लेकिन उसके साथ साथ हर आत्मा में क्षमता अलग अलग है, उसका स्तर अलग अलग है। हो सकता है कोई आत्मा बिल्कुल शुरुआती समय में हो, और जैसा कि डॉक्टर न्यूटन ने बताया कि कुछ केस में ऐसा भी हुआ है कि कुछ व्यक्तियों ने बड़े हल्के फुल्के तरीके से एक अलग अलग अंदाज में सबने अपनी अपनी बात रखी। किसी ने कहा कि मैं तो बस स्केटिंग करने जा रहा हूँ। जब उससे देह धारण के विषय में पूछा गया, नया जीवन वो लेने जा रहा है, तो उसने एक एक लफ्ज़ बोला, मैं तो बस स्केटिंग करने जा रहा हूँ। किसी ने जवाब दिया, मैं तो बस एक मामूली सा लेसन पढ़ने जा रहा हूँ। इन बातों का क्या अर्थ है? इन बातों का अर्थ है, ये वो आत्माएं हैं जो धरती पर जन्म तो ले रही हैं, लेकिन बहुत ही सरल लेसन अपने लिए चूज़ करती हैं, और बहुत ही खेल की तरह। जैसे एक माध्यम के लफ्ज़ थे, मैं तो स्केटिंग करने जा रहा हूँ, यानी वो उसने बिल्कुल ही हल्का फुल्का अपने लिए जीवन का चुनाव किया है। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि ठीक है, हर आत्मा अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपने लिए जीवन का चुनाव करती है, लेकिन हमारे जो मार्गदर्शक हैं वो हमारे लिए थोड़े मुश्किल लेसन जब हम चूज़ करते हैं तो वो अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसमें हमारी तरक्की करने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। एक जीवन जो हम जी रहे हैं, जो समय हम ले रहे हैं, उसमें हम ज़्यादा सफलता हासिल करते हैं। अब एक व्यक्ति ने 70 साल का जीवन जिया, लेकिन बड़ा ही सरल जीवन जिया, हल्का फुल्का एक लेसन था। एक व्यक्ति दूसरे ने भी 70 साल का जीवन जिया, लेकिन उसने थोड़ा मुश्किल लेसन चूज़ किया। तो अब वक्त तो दोनों ने 70 साल का लिया, एक जीवन का लिया, लेकिन मृत्यु के बाद जो उनकी आत्मा की उन्नति का स्तर है वो अलग अलग है। इसलिए हमारे मार्गदर्शक ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा मुश्किल लेसन चूज करके इस धरती पे जाएं, और अधिकतर आत्माएं अपने मार्गदर्शक की इस बात को मानती भी हैं। साफ लफ्जों में डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि आत्मा लोक में मात्र कुछ एक चंद आत्माएं होती हैं जो अपने लिए कोई बहुत बेहतरीन ऊंचा लेसन नहीं चूज करती हैं, चंद एक होती हैं। बस इसी लाइन से समझ जाइए कि हल्का फुल्का शांत सरल जीवन भी चंद एक लोगों का होता है। इसीलिए बहुत सरल जीवन जीने वाली आत्माओं की तादाद धरती पर कम होती है। अब ये जो बात है ना कि सरल जीवन जीने वाली आत्माओं की तादाद धरती पर कम होती है, इसे दो पहलुओं में समझिए। एक है ऊपरी तौर पर, इस भौतिक जीवन में आपको हो सकता है कोई व्यक्ति बड़ा स्ट्रगल करता दिख रहा हो। मान लीजिए उसके पास धन नहीं है, मान लीजिए उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। ये ऊपरी भौतिक पैमाना है कि उसने अपनी लाइफ के लिए मुश्किल लेसन चूज कर लिए, लेकिन उसका स्तर कौन सा है ये आपको नहीं पता ना। तो उसके स्तर के मुताबिक वो डील कर रहा है उस सिचुएशन से। हो सकता है बाहर उसके रिश्ते जैसे मर्जी हों, बाहर उसकी आर्थिक स्थिति जैसी मर्जी हो, लेकिन अंदर से वो शांत हो, अंदर से उसके अंदर उथल पुथल उथल ना हो, चाहे उसके जीवन में अच्छे रिश्ते ना हो फिर भी वो खुश हो, चाहे उसके पास धन कम हो लेकिन फिर भी वो शांत हो। तो ये वाली जो चीज़ है ये स्तर पर निर्भर करती है, लेसन पर निर्भर नहीं कर रही है। लेसन तो स्तर के मुताबिक व्यक्ति ने चूज़ किया ही किया है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके प्रति जो उसका रिस्पॉन्स है वो स्तर के मुताबिक है। अब ये लेसन तो कई तरह के होते ही हैं, आप कुछ नहीं कह सकते। आप लोगों को कई लोगों की लाइफ एकदम परफेक्ट लगती है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है आप नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लेसन है, वो उसके साथ डील कर रहे हैं। पृथ्वी पर आने वाली आत्माएं अपने बारे में ऐसे सोचती हैं जैसे कि वो एक प्ले खेलने जा रही हैं। अब प्ले खेलने तो जा रही हैं, लेकिन यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं चंद एक
एक जो थोड़ी उच्च स्तर की आत्मा है उनको छोड़ दीजिए, वरना अधिकतर आत्माओं का जो स्मृति लोप हो जाता है ना, वो भूल जाती है ना कि वो धरती पर कुछ सालों का गेम खेलने के लिए आई हैं। इस वजह से वो नाटक तो खेल रही हैं, लेकिन उन्हें लगता नहीं है कि वो नाटक खेल रही हैं। और ये जो चीज़ है, क्योंकि जब लगे ही ना नाटक खेल रहे हैं, तो वो नाटक डिफिकल्ट बन जाता है। आपको पता हो कि आप बहुत रईस व्यक्ति हैं, आपके घर में धन धान्य है, लेकिन अभी आप एक रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें आप एक निर्धन व्यक्ति का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप भूल ही जाए नाटक खेलते खेलते, बिल्कुल बिल्कुल भूल ही चुके हैं कि आप क्या हैं, आप सोच रहे हैं वो जो प्ले कर रहा हूँ मैं नाटक, जो रोल मैं कर रहा हूँ, मैं वही हूँ, हाँ मैं निर्धन हूँ, हाँ मेरे पास ये वस्तु नहीं है, तब जो स्मृति लोप के साथ आप गेम खेलेंगे वो कैसा होगा? बस यही बहुत बड़ा एक पेच है इस पृथ्वी लोक में, कि आप इसी स्मृति लोप के साथ ये गेम खेलते हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए, नाटक पूरा होते ही सच्चाई आपके सामने होगी, ये जो स्मृति लोप है ना ये समाप्त हो जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। और जब सब कुछ याद आएगा, तब आप अप्रिशिएट करेंगे अपने इसी मुश्किल जीवन को, कि मैंने ये से चूज़ किया, मैंने एक मुश्किल जिम्मेवारी ली। जैसे किसी मुश्किल काम को कोई व्यक्ति चूज़ कर लेता है करना, और वो उसको सक्सेसफुली कर पाता है, तो वो अपने आप को अप्रिशिएट करता है ना, कि मैंने कितना मुश्किल काम था, देखो मैंने कर लिया। सब उसकी सराहना करते हैं ना कि वाह वाह, आपने इतना मुश्किल काम था लेकिन आपने कर लिया। इसी तरीके से जब आप आत्मालोक में जाएंगे और देखेंगे कि ये एक रंगमंच था जिसमें आपने अपने लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला लेसन चूज़ कर लिया था, लेकिन आपने उसे सक्सेसफुली हैंडल कर लिया, कितने भी प्रतिशत किया हो। मान लीजिए आप एक लेसन 100 में से 40% भी अगर कर लेते हैं, वो भी बड़ी अचीवमेंट है। जैसे हर स्टूडेंट चाहता है नंबर तो उसके 100 में से 100 ही आए, लेकिन 40 भी आ गए तो भैया आप पास तो हो ही गए हैं ना। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए कि आपने मुश्किल लेसन चूज़ किया, जितना भी आप उसमें ग्रो कर गए, आपने सफलता तो हासिल करी ना, कम या ज़्यादा की मात्रा हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, जितने भी लोग धरती पर अपने हिस्से का लेसन चूज करके आते हैं, उनमें से जो ज़्यादातर लोग हैं, पहले तो ज़्यादातर लोग ही मुश्किल लेसन चूज करते हैं अपनी आत्मा के स्तर के मुताबिक, और उनमें से भी जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो कम या ज़्यादा अपने लेसन को पार भी कर लेते हैं। कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा मतलब हो सकता है 100 में से 40 नंबर लें, 50 लें या 60 लें, और कोई शायद 100 में से 100 ले, लेकिन पास कर लेते हैं। यहाँ मैं उन चंद एक आत्माओं की बात नहीं कर रही जो अपने लाइफ लेसन से घबरा कर सुसाइड का रास्ता चूज कर लेती हैं, मैच्योरिटी सोल्स की बात कर रही हूँ। और जैसे आप एक बड़ी सक्सेस हासिल करने के बाद जब अपने घर पहुँचते हैं, अब आप गोल्ड मेडल लेकर मैराथन में अपने घर पहुँचेंगे, तो फिर उस सेलिब्रेशन भी क्या होगा, बहुत शानदार होगा ना। एक तो है आप छोटी सी सक्सेस हासिल करके पहुंचते हैं तो आपके परिवार के लोग आपका स्वागत करते हैं, एक है आप कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करके पहुंचते हैं तो पूरे गांव के लोग मिलकर आपका स्वागत करते हैं। ऐसे ही जब आप कोई मुश्किल लाइफ लेसन चूज करते हैं और उसे क्लियर करके आत्मालोक पहुंचते हैं, तो पूरे आत्मिक ग्रुप के आत्माएं, और सिर्फ वो नहीं, जो और आपकी जो अन्य ग्रुप्स की आत्माएं हैं, वो सब भी आपका बहुत अभिवादन करती हैं, आपके लिए तालियां बजाई जाती हैं, आपको शाबाशियां दी जाती हैं, आपके लिए आयोजन किए जाते हैं। अब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस स्थिति की कल्पना कीजिए कि आज जो आपका मुश्किल सा लेसन है, आप उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं, अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं, और अब आप आत्मालोक पहुंचते हैं। आपका मार्गदर्शक, आपके आत्मिक समूह के मेंबर्स, आपके गुरुजन, वो आपका वेलकम करते हैं। आपका जैसे जैसे कोई गोल्ड मेडल लेके पहुंचता है, तो वो फिर सालों साल सालों साल, हमारे गांव का व्यक्ति आज से 50 साल पहले गोल्ड मेडल लेकर आया था। बस ऐसे ही आपकी महान उपलब्धि होगी। और सिर्फ इतना नहीं है, जिन लोगों के साथ आप मिलके ये गेम खेलते हैं, जब आत्मा लोक में हम पहुंचते हैं, तो उसके बाद भी जो जीवन वाला गेम खेला है उसके ऊपर एक क्या कहेंगे इसे, पूर्वलोकन कहिए
या अध्ययन कहिए, एक बार दोबारा नज़र डाली जाती है, एक बार दोबारा, जैसे आप पेपर पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आप दोबारा उस पेपर को एक बार फिर से रीड करते हैं ना, फिर से चेक करते हैं कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया, कोई पॉइंट तो मिस नहीं हुआ। बस ऐसे ही जब आप आत्मालोक पहुंच जाएंगे तब भी आप एक बार फिर अपने इसी जीवन का पूर्व अवलोकन करेंगे, एक बार फिर से इसका अध्ययन करेंगे कि हमने कहाँ क्या सही किया, क्या गलत किया, ये नहीं करते, ये करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते। तो सिर्फ आप नहीं करेंगे, आपके साथ जिन्होंने गेम खेला है वो भी करेंगे, आपके जीवन का भी करेंगे, आप उनके जीवन का भी करेंगे। अब देखिए इस बात पे गौर कीजिए, आप 5 लोग मिलके गेम खेल रहे हैं, एक बंदा बड़ा अच्छा प्ले करता है, दूसरे को लगता है नहीं मैं इसकी वजह से हार गया, इसने मुझे टांग अड़ा दी थी, नहीं तो मैं तो गोल कर ही देता, तो क्या स्थिति होगी? और जब दो वही बंदे, दो ही वो दो वही खिलाड़ी बैठ के आपस में बात करेंगे कि नहीं मैंने तेरे को टांग नहीं मारी थी, वो तो गलती से लग गई थी, तो गिर गया था, तो अब उन दोनों खिलाड़ियों के बीच में कैसा रिश्ता होगा? फर्क है ना। इसी तरीके से आज आप जिन लोगों के साथ गेम में आ रहे हैं, बड़ी शिकायतें होंगी, बड़े शिकवे होंगे, बहुत बहुत नाराज़गियाँ होंगी, ऐसा वैसा तुमने ये किया, अपने जो आपने परफॉर्मेंस दी है उसका आप एनालिसिस करेंगे, आप आपस में बैठ के जो एक दूसरे से शिकायतें हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, तूने ये किया तो क्यों किया, इस चीज़ को समझेंगे, तो स्थिति में कितना अंतर आ जाएगा ना, जो आज आप सोच रहे हैं अपने साथ गेम खेलने वाली आत्माओं के विषय में, और जब आप आत्मालोक में बैठ के सोचेंगे, उनके नज़रिए से सोचेंगे, दोनों जीवनों का अध्ययन करेंगे, तो कैसा नज़रिया होगा आपका, कितना फ़र्क होगा ना। इसी चीज़ को हम अगली कड़ी में और डिटेल में समझेंगे। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कई बार हम